please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक और इमारत झुक गई है। इनमें एक बन रही 5 मंजिला इमारत के झुकने से लोगों में हड़कंप है। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास के घर खाली करवा लिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इमारत को अवैध बताया है। ग्रेटर नोएडा के साबेरी गांव में इस वक्त हम गली नंबर 3 पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं 5 मंजिला जो निर्माणधीन बिल्डिंग है ये झुक गई है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्रशासन को इस बात की सूचना दी, लोकल पुलिस को, बिसरख थाने को, कि एक जो बिल्डिंग है ये खतरनाक है और ये कभी भी गिर सकती है। और बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें दीवार में बीच में बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे छेद बने हुए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल दरारें आ गई हैं इस दीवार, इस बिल्डिंग के अंदर। ये निर्माणधीन बिल्डिंग थी और इसके बाद जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसने बाकायदा नोटिस देकर ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग में निर्माण आगे नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि ये अवैध निर्माण हो रहा था, जो इसका बिल्डर है वो भागा हुआ है, जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था, शाहबाज इसका नाम बताया जा रहा है। और 5 मंजिला ये इमारत थी निर्माणधीन, जिसको अब खाली करा लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा कर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को। यहाँ पर जो नोएडा पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। दुर्गा इंक्लेव है, यहाँ पे देखिए मेंशन हो रखा है बाकायदा गली नंबर 3। और जो पीछे का इलाका है मैं आपको दिखाऊंगा मेरे कैमरामैन, यहाँ पर स्थानीय जो लोग रहते हैं उन्हें भी ये बोला गया है कि वो यहाँ से एहतियातन यहाँ से अपना घर खाली कर दें, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग खुदा न खास्ता अगर इसमें ये गिर जाती है या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है खतरे वाली, तो किसी आम लोगों को यहाँ पर उससे दो चार ना होना पड़े, उन्हें इससे कोई तकलीफ ना हो पाए। दिल्ली मेट्रो में सफर करना अब और भी सुरक्षित होने जा रहा है, क्योंकि TMRC ने बाराखंबा रोड स्टेशन पर ट्रायल के बाद जल्द ही सभी मेट्रो स्टेशनों पर आधुनिक बैगेज स्क्रीनिंग मशीन लगाने का दावा किया है, जिनके लगने के बाद मेट्रो स्टेशन के अंदर हथियार, विस्फोटक और नशे का सामान ले जाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। DMRC के मुताबिक स्कैनर मशीन बैग में रखे ड्रग्स का भी आसानी से पता लगा लेगी। फिलहाल मेट्रो स्टेशनों पर जो बैगेज स्क्रीनिंग मशीन लगी है वो ड्रग्स को ढूंढने में कारगर नहीं है। इतना ही नहीं, नई मशीन बैग में रखे संदिग्ध सामान का पता लगते ही एक अलर्ट भेजकर खुद रुक जाएगी। नई मशीन के साथ चारों दिशाओं में नजर रखने वाला एक कैमरा भी है जो सामान रखने और उसे उठाने वाले पर भी नजर रखेगा। DMRC का दावा है कि नई मशीन में एक और ढलान के साथ लगी बेल्ट और लंबे काउंटर की मदद से सुरक्षा जांच में वक्त भी कम लगेगा। यूपी के फैजाबाद में सजायाफ्ता एक कैदी का जेल में केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद जेल में बंद कैदी शिवेंद्र प्रताप ने जेल प्रशासन पर पैसे लेकर जन्मदिन मनाने का सामान मुहैया करवाने का आरोप लगाया। और सामान जेल के अंदर मुहैया करवाए जाने के बाद कैदी शिवेंद्र प्रताप ने जन्मदिन मनाया। वायरल हुए वीडियो में वो अशफाक उल्ला खान बैरक के सामने अपनी फोटो लगे केक को काटते और फिर जेल में मौजूद एक शख्स को खिलाते दिखा। वीडियो में चाकू, लाइटर, मोमबत्ती और मोबाइल जैसा सामान भी दिखा, जिसे जेल में ले जाने की इजाजत नहीं है। जेल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो के सामने आने से मचे हड़कंप के बाद पेशी पर गए शिवेंद्र ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि जेलर ने जन्मदिन मनाने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस लिए और उसके बाद हर महीने 1 लाख रुपए की मांग की गई। कैदी शिवेंद्र के मुताबिक जेल प्रशासन हर कैदी से पैसे लेकर सुविधाएं मुहैया करवाता है। इसके अवैध में 1 लाख लिया गया था, उसके पहले भी जेलर साहब कहे हम गाड़ी लिए हैं, किस्त देते हैं, फलाना ढिकाना ठीक ठाक, सारे बंदी वहाँ पैसा देते हैं। हालांकि फैजाबाद के TM अनिल पाठक ने जाँच के बाद कार्रवाई का दावा किया। ADM सिटी और उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए आदेश दिए गए हैं और 2 दिन के अंदर उनको जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। वहीं कैदी शिवेंद्र के वकील ने पुलिस पर आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी शिवेंद्र को कड़ी सुरक्षा में नहीं लाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक मंच पर खड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ लोग चांदी का एक गदा देने लगे। शिवराज सिंह वहाँ अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों को संबोधित करने पहुँचे थे और इस बीच सबसे पहले उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम शिवराज को पहले फूलों की बड़ी सी माला पहनाई गई और फिर उन्हें चांदी की एक गदा भेंट की गई। मंच पर शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करने के बाद सीएम का काफिला एक बार फिर आगे बढ़ गया और रास्ते में जहां भी लोग दिखे शिवराज सिंह उनसे मिलते चले। 230 विधानसभा क्षेत्रों में 55 दिन तक ये पूरी की पूरी यात्रा चलेगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ये इनको दिखाने की कोशिश है जनता को कि वो जनता से जुड़े हैं। शिवराज सिंह ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। जो किए गए काम है वो बताते हैं और आगे के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, ये 2008 और 13 में भी हमने किया था। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसी कड़ी में लोगों का आशीर्वाद लेने शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं।
दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद लोहे का पुल बंद करवा दिया गया है। पुल बंद करवाने का फैसला डीएम ने लिया। हरियाणा के हथिनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से गांव खाली करने की अपील की है। जिन गांवों पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है, वजीराबाद, सोनिया विहार, गढ़ी मांडू, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, गांधीनगर है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पर नजर रखने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष और आपात संचालन केंद्र बना दिए हैं। साथ ही यमुना नदी के किनारे गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई निचले इलाकों में पानी घुस गया, जिससे वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित इलाकों में शरण लेनी पड़ी। दरअसल हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205 मीटर पार कर गया, जबकि दिल्ली में यमुना नदी का सामान्य जलस्तर 202 मीटर है। ऐसे में दिल्ली के सात और इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 10 जगहों पर लोगों के रुकने के लिए 550 टेंट लगवाए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोग सड़क पर टायर जलाकर वहां हुई एक हत्या का विरोध करने लगे, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ पर एक शख्स की पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा। और अर्जुन नाम के उसी लड़के के परिजन उसकी हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे और टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे, जबकि वहीं पास में पड़े अर्जुन के शव के पास बैठकर एक महिला रोने लगी। सड़क पर आगजनी की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया। पुलिस ने घटना को हत्या का मामला बताते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद मृतक अर्जुन के घर वालों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कावेरी अस्पताल के बाहर कुछ लोग एक रोते हुए आदमी को दिलासा देने लगे। अस्पताल में भर्ती डीएमके के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल के बाहर मौजूद समर्थकों में हड़कंप मच गया और कई समर्थकों की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे सेहत बिगड़ने की खबर फैलती गई, लोगों का हुजूम अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगा। इस बीच कुछ लोग अपने नेता के लिए दुआएं करते नजर आए, तो कुछ लोगों ने करुणानिधि की शान में नारेबाजी की। इस बीच डीएमके के कुछ बड़े नेताओं को भी अस्पताल में जाते हुए देखा गया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर मौजूद भीड़ करुणानिधि की सेहत से जुड़ी खबर जानने के लिए बेकाबू हो गई। इस बीच भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और उन्हें अस्पताल के बाहर से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद डीएमके के समर्थकों को शांत करने के लिए पार्टी के बड़े नेता उनके बीच पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने करुणानिधि की सेहत में सुधार होने का दावा किया। மருத்துவர்களுடைய தீவிர சிகிச்சையின் காரணமாக साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। ए राजा की इस जानकारी का करुणानिधि के समर्थकों ने खुशी में चिल्लाते हुए स्वागत किया। 94 साल के एम करुणानिधि की तबीयत अक्टूबर 2016 से खराब चल रही है और शुक्रवार को ब्लड प्रेशर में अचानक आई गिरावट के बाद कावेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण से बचने के लिए एक रणनीति तैयार की है, जिसके लिए कांग्रेस 2019 चुनाव से पहले बोफोर्स घोटाले की तरह राफेल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के संसद में पीएम को गले वाले पोस्टर पूरे देश में लगाएगी, जिनमें नफरत के मुकाबले प्यार लिखा होगा। साथ ही कांग्रेस दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत कर पार्टी के पक्ष में जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब प्रचार में सिर्फ मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि गरीब दलित के साथ अल्पसंख्यक का जिक्र करेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के बुद्धिजीवियों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ पुलिस वाले एक मकान के अंदर बिस्तर पर पड़े एक बच्चे के शव की जांच करने लगे। आरोपी के बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से पत्नी और बेटे की, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मकान के अंदर पड़े शवों की जांच करती दिखी। आरोपी पति ने दोनों हत्याओं को अलग अलग कमरों में अंजाम दिया। बाहर के कमरे में पत्नी का शव जमीन पर पड़ा मिला, जिसके सिर पर हथौड़े से वार किया गया था, जबकि अंदर के कमरे में बिस्तर पर पड़े 5 साल के बच्चे की गर्दन काट दी गई थी। पड़ोसियों का दावा है कि आरोपी ने घटना को सुबह के समय अंजाम दिया। किसने किया मर्डर? ये सर कौन, क्या लगता है सर इनका? हाँ जी, इनका क्या लगता है? रेखा घरवाला, तो उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करी है। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि पत्नी और बेटे की हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे उसके भाई ने बचाकर पुलिस के हवाले किया। बस ये अपने घर वाले पे चरित्र पर शक करता था,
उस आवेश में आके इसने ऐसा काम कर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ डबल मर्डर का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई का दावा किया।